ये बैठ के लोड़ जो खा के फेंका ये कौन सा पर है सुअर का मुझे ये पड़ा है जो कि हमने लिए ईमानदार चाय हरना उठ सामने वाला दिल्ली से निकली है और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो। जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। तो अपने इसकी जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 20802 न्यू दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस में, और इस्लामपुर से बिहार में आता है। और अपनी जो इसकी जर्नी होने वाली वो है जनरल क्लास में, और अपना जो कोच है D4 जो कि आप मेरे ठीक वहाँ बगल में देख सकते हो। तो चलिए, और मैं इनकी टाइमिंग की बात करूँ, ये ट्रेन रात के 9:05 पर निकलती है न्यू दिल्ली से, और ठीक अगले दिन दोपहर के 3:25 में पहुँचाती है इस्लामपुर। सो गाइस, तो ये है अपना कोच D2। तो चलिए चलते हैं अंदर, और अपना जो सीट नंबर है वो है 97। तो सबसे पहले अपना लगेज को रखते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं। तो अपना जो सीट है आज का वो है 97। जी हाँ, विंडो वाला सीट मोनू भैया का है, और अपना 97 सीट नंबर है। और हमने जो अपना लगेज को डाल दिया नीचे, और आप फर्स्ट लुक देख सकते हो ये जनरल क्लास का क्या हाल है अभी मगध एक्सप्रेस का। और यहाँ पे जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है जनरल कोच, और इधर का भी क्राउड आप देख सकते हो फुल्ली पैक। सो गाइस, तो आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म 15 पे लगी हुई है उत्तरांचल संपर्क क्रांति, जो कि न्यू दिल्ली से जम्मू तवी के बीच में चलती है। प्लेटफॉर्म 15 पे लगी हुई है, और क्राउड देख सकते हो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी। वेटिंग के लिए कोई ट्रेन हो गए लोगों का, और अपनी ट्रेन को अभी निकलने में तकरीबन 45 मिनट का वक्त है। तो चलते हैं अंदर ही बैठते हैं, और साथ ही में कुछ खाने पीने का भी आइटम ले लेते हैं अपने लिए। ठंडा नहीं है क्या? गुड, नॉर्मल पीछे 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 बच्चा किन का? आप ही का माँ का माँ तो उधर है, दीजिए मुँह में ला के दीजिए। और अभी जो है टाइम हो चुका है 9:05 पर, और अपनी ट्रेन निकलने ही वाली है। और यहाँ पे देख सकते हो लोकल वेंडर जो है लोकल पानी ट्रेन में बेच रहा है। यही है जनरल क्लास का, जितना भी पैसेंजर को लूटा जा सकता है लूटा जा रहा है यहाँ पे लोकल वेंडर के थ्रू। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे डिपार्चर भी हो चुका है, तो चलिए आपको डिपार्चर दिखाते हैं इस ट्रेन का। तो वैसे तो जैसे अपनी ट्रेन अभी न्यू दिल्ली से डिपार्चर ली, वैसे ही ये जो दो बंदा और एक आंटी हैं इन लोगों ने चैन पुलिंग करते हुए RPF वगैरह आया है, फिर ट्रेन निकलती है, फिर आपको डिपार्चर दिखाते हैं। और अभी जस्ट अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली से निकली है, और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो भाई, पूरी तरीके से घसाघसी पैक हो चुका है। मत बैठिए, इसको बंद कर लूंगा ना। आप ही का बच्चा लोग है? हमारा नहीं है। किसका? आपका है। अकेले आप जर्नी कर रही हैं? अकेले हैं कि कोई साथ में है? अकेले हैं। अंदर देखिए कोई जगह है तो बैठ जाइए अंदर, गेट पे मत खड़ा रहिए, अंदर जाइए, देखिए अंदर कहीं साइड उड में भी जगह हो ना, बीचों में बैठ जाइए, ठीक है, बाथरूम के पास खड़ा मत रहिए। सो गाइस, यहाँ पे मगध एक्सप्रेस का जनरल कोच में आरओ प्योरीफायर भी आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर ऑन है, ब्लैक वॉश रेडी मोड, और यहाँ पे बोल रहे दबाइएगा तो पानी गिरेगा। तो चलिए पुश करके देखते हैं पानी आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं पानी भी आ रहा है। और यहाँ पे सिंक का कंडीशन की मैं बात कर लूँ तो देख सकते हो अभी ट्रेन अभी निकली है, अलीगढ़ से 80 किलोमीटर पीछे ही अपनी ट्रेन, और अप्रोक्स देख सकते हो सिंक का कंडीशन, कल गुटखा कहीं नहीं खाकर फेंका हुआ है।
और इस टैप पे जो वाटर नहीं आ रहा है यहाँ पे, और इस सिंक का कंडीशन देख सकते हो, ये मिरर टूटा हुआ। घर में माँ पापा कहते हैं टूटे आईने में शक्ल नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस मगध एक्सप्रेस का जनरल कोच में मिरर टूटा हुआ है और नीचे डस्टबिन नहीं है। इस तरफ भी डस्टबिन नहीं, एक फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिल जाएगा आपको। तो चलिए आपको वॉशरूम का कंडीशन दिखाते हैं कैसा है। हमारे जो मगध एक्सप्रेस के जनरल क्लास का वॉशरूम है, और मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ, बस आपको इस वॉशरूम में मिरर एक साफ सुथरा देखने को मिल जाएगा। सिंक का कंडीशन आप देख सकते हो कितना बेकार है, और टैप तो भाई टूटा फूटा टैप आपको नल यहाँ देखने को मिल जाएगा, नहीं लिक्विड हैंड सोप है, नहीं कुछ। और इसका स्मेल इतना गंदा आ रहा है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकता यार। अगर मैं मास्क उतार दूँ ना, मैं बेहोश होकर वॉशरूम में गिर जाऊँगा, इतना गंदा स्मेल कर रहा है मगध एक्सप्रेस का ये वॉशरूम। साफ सफाई के मामले में जीरो, और इस ट्रेन का आप हाल तो देख ही रहे हो, कितना बुरा हाल है यहाँ पे, चलने तक का जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पे। चार्ज में लगा ही लो, चार्जर है ना अंदर, लगा ही लो। नहीं हमारे पास चार्जर है, सुहेब के आजा के ही है, दिल्ली पे राज करता है। कौन राज करता है? सुहेब। कौन कुंभ? अक्षय कुमार। अरे पुष्पा वाला डायलॉग मारा ना, ये वाला को तो वैसे पूरी फिल्म फ्लॉप गई है। कौन पुष्पा फ्लॉप है? फिल्म फ्लॉप नहीं की तो चार्जरी खत्म हो गया। ओ आप देखे नहीं होंगे ना, देख फिल्म पूरी देख रहा है। अच्छा अच्छा, इस तरह ने देख रहा है। डायलॉग तो बताइए, डायलॉग याद नहीं है? ये जो फिल्म है ना बिल्कुल एकदम बिल्कुल पर हिट जाएगा, अभी हॉल पे लगी नहीं। कौन सी नहीं लगी? हो गया हॉल पे लग भी गया, हो गया ना भैया। ओके भैया, अरे आप लोग देखिएगा मूवी हिट नहीं करेगा ऐसा हो सकता है? हम लोग इस पे देखे थे, क्या बोलते हैं, गोलचा पे देखे थे। बढ़िया, मुझे बढ़िया मूवी दिखाया था इसने। कौन सी? तो मोबाइल पे भी दिखाया था। कहाँ तक जाइएगा आप? कहाँ? पटना तक जाएंगे। पटना तक इसी तरह बैठ के मिला भैया, हम माँ डेट कर गई है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। हाँ बोलाइए, तो अपने ट्रेन जैसे निकले न्यू दिल्ली से, ये बैठ के लौड़ा जो खा के फेंका ये कौन सब करेगा है? डस्टबिन में फेंको है, फिर अंदर फेंका, डस्टबिन में फेंको बाहर। डस्टबिन हो गया उधर, आप जी को देखो करता। आ जाओ जाओ, देखो डस्टबिन है उसमें डाल दो यार। डस्टबिन में कोई दिक्कत हुआ? और इसे नहीं फेंका कीजिए वो सब में खाकर बेसिन में। एक इंसान गलती कर तो सौ इंसान को फर्क पड़ता है, समझा? सॉरी भैया। सॉरी क्या, मार दिया किसी को? सॉरी चलो बैठ जा, बैठ जा। नहीं भैया, फुट का खा लिया तो प्लान तो। हाँ नहीं, सही बात है, सही बात। चलिए आएगा तो बताइएगा अगले में, ठीक है भैया? चलिए ठीक है, ठीक है। पैसेंजर हैं और यहाँ पे कर रहे हैं डीजल। हाँ उतरी ना भाई,
और यहाँ देख सकते हैं अलीगढ़ पे जितने भी ये सब वैक्सीनेटर है ना सपोर्ट किया अभी अपने ट्रेन में। तो चलिए और क्राउड देख सकते हो भाई साहब अलीगढ़ जंक्शन पे कितना भयानक क्राउड है अभी अलीगढ़ पे। और जहाँ तक नज़र दौड़ाओगे आप तो आपको भीड़ भीड़ नज़र देखने को मिलेगा। सब वगैरह तो हम लोग की ट्रेन की पहली हॉल्ट आ चुकी है अलीगढ़ जंक्शन 130 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने का। और मैं अलीगढ़ जंक्शन की बात करूँ तो इसके स्टेशन को LJN और ट्रेन का मात्र यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। और आपको पता अलीगढ़ किस लिए फेमस, अलीगढ़ में ताला का जो होता है ना मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और देख भी सकते हो अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका डिपार्चर। और अभी जो है अपने सीट के अंदर जाने के लिए देख सकते हो कितना ज़्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ठीक ऊपर भैया जो ऊपर वाले हैं उनका शेरवानी का पैकेट है यहाँ पे जो कि वो दिल्ली से लेकर जा रहे हैं शादियों में ऑर्डर होगा शायद उनका से किया फैमिली का जो भी। वो अलीगढ़ जंक्शन पे उतर गए और यहाँ पे नए पैसेंजर आए हैं जिनको जाना है इलाहाबाद, उनको भी इलाहाबाद, उनको भी इलाहाबाद। और उनका तो दिल्ली से ही है, इनको जाना है पटना। आपका तकरीबन 1:15 हो रहा है और अपनी ट्रेन जस्ट निकली फिरोजाबाद से। और भाई अपनी जो ट्रेन है भाई अचानक पूरी तरीके से भर चुकी है तो चलते बाहर और आपको नज़ारा दिखाते हैं अपने कोच का क्या कंडीशन है अभी। तो चलिए और ये रहा हमारा सीट 97 नंबर। और भाई यहाँ का अपना नज़ारा देखिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको। भाई इतना बुरा हाल है ना यहाँ पे, बच्चे देखिए भाई किस तरीके से यहाँ पे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। हल्का साइड होइएगा, क्या दिक्कत हो रहा है बताइए आप लोग, हम लोग का चैलेंज बता देना, हम लोग देखेंगे कभी। ठीक है बता देंगे आपको। और कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी है कि टिकट नहीं मिलता था कल। टिकट नहीं मिलता? नहीं। बुक किया थे? बुक किए थे नहीं किए, पैसा दे दिए। किसको दे दिया पैसा? वो अलीगढ़ में रहता है, वो बोला कि चलो पैसा किसी को फोन कर देंगे, नहीं टिकट काटेगा। बेवकूफ़ बना के आप लोग, बताइए आप कैसे होगा? अच्छा तो फिर रिटर्निंग में फैसला कीजिएगा। सही है सही है। पीटीआई का बोलेंगे टिकट, वो बोलेगा टिकट दिखाओ, भाई बोलेंगे पैसा दिए हैं टिकट नहीं दिया हमको। एक दलाल के थ्रू करवाए थे क्या टिकट? हाँ हाँ वही आ गया था हम लोग के पास, दलाल से कभी टिकट बुक नहीं करवाइएगा। रेलवे स्टेशन पे काउंटर होता है टिकट काउंटर, वहाँ से लिया कीजिएगा टिकट। ट्रेन आने से 4-5 घंटा पहले टिकट लिया कीजिएगा, तुरंत लीजिएगा ना, नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये भैया और ये आंटी लोग का है यहाँ पे जो टिकट था दलाल के थ्रू करवाए थे, लेकिन इन लोग का टिकट हुआ नहीं, पैसा लेके रफू चक्कर हो गया। और इस तरफ का आप नज़ारा यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से खच पैक है। तो चलते हैं वॉशरूम में और आगे का भी कंडीशन दिखाते हैं आपको क्या कंडीशन है आगे का। वहीं पर करने तक का जगह नहीं मिल रहा कुछ सही से, इधर का भी आपको कंडीशन दिखाना चाहेंगे इस कोच का। और यहाँ पे भी देख सकते हैं भाई सभी लोग अपना कंबल गद्दा लगा कर यहीं पर सो गए। कभी हमको वापस सीट पर जगह नहीं मिल पा रहा है सही से। और इधर का भी आप पूरा नज़ारा देख सकते हो भाई पूरी तरीके से पैक, चलने तक का जगह नहीं यहाँ पे सही से। तो चलते हैं सीट पे। तो वैसे अपनी ट्रेन आ चुकी है इटावा जंक्शन और ट्रेन जो है हम लोग की पहुंची है लगभग आधा घंटा डिले, लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं भाई, कंडीशन देखो भाई कैसे जाए। चाय चाय चाय।
दिल्ली से? अलीगढ़। अलीगढ़ से। सफर करने के बाद अपने ट्रेन निर्धारित समय से 5 मिनट आ चुके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जिसके शिष्य को डीडीडीयू एशिया का सबसे बड़ा मार्शल यार्ड भी मुगलसराय में ही है। जी हाँ, तो और मैं जहाँ तक जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई बहुत ही बेकार जर्नी एक्सपीरियंस है यार। मैं लाइफ में पहली बार जर्नी क्लास में जर्नी कर रहे हैं और भाई इतना ज़्यादा भाई क्राउड है यार, क्या बात है, चलने तक का जगह नहीं था यार। तो चलिए, और अभी तक भाई कल से कुछ खाए पिए भी नहीं है यार, वॉशरूम में पानी तक नहीं है, तो देखते हैं आगे कुछ खाते पीते भी है। देख मेरे पीछे की शॉल भी है, तो चलते देखते हैं। पानी वगैरह तो लेकर रखा हुआ है लेकिन भाई पिएंगे तो भाई टॉयलेट जाएंगे किधर यार, वॉशरूम में इतना स्मेल कर रहा है हम आपको बता नहीं सकते। फिर से आपको कोच का कंडीशन दिखाएंगे दिन के वक्त में भी क्या हाल है। तो चलिए मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पे 30 रुपए में खाना दिया जा रहा है मुगलसराय रेलवे स्टेशन पे, और 30 रुपए में आपको छोला चावल मिल जाएगा, छोला पूरी मिल जाएगा और सब्जी भी देख सकते हो आप। तो यहाँ से हम सोचा अपने लिए समोसा लें। दो 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 और अभी जो है हम गर्मा गर्म चाय ले रहे हैं 2 कप यहाँ पे मुगलसराय पे नेस्कैफे का ही है। सो गाइस, अभी हमने लिया था ये चाय जो कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, बस इसमें चाशनी ज़्यादा लग रहा है यार, दूध कम, चाय पत्ती कम, बस चीनी का जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा इसमें। पीने का भाई मन भी नहीं कर रहा यार, बस इलायची का फ्लेवर है इसमें लिटिल बिट, तो भाई इसे हम फेंकते हैं पहले यार, पीने का तो हिम्मत हो नहीं रहा चाशनी। तो चलिए हमने तो चाय को फेंक दिया है, तो फिर देखते कुछ और खाने पीने का ऑप्शन भी देखते, क्योंकि भाई अगर सुबह के वक्त में अगर नहीं खाएंगे भाई तो बन जाएगा गैस, फिर हो जाएगा तबीयत खराब। तो चलिए आगे भी देखते कुछ खाने पीने का आइटम। अभी जो है हम लोग गेट पर खड़े थे लेकिन अंदर जाने तक का जगह नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो भाई बहुत ही बुरा हाल है। साइड होएगा भैया, अभी 70 रुपया दे रहा है। सुबह तो अभी 9:30 बजने वाला और अपने ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से, और चलते भी फ्रेश होने के लिए। और भाई यहाँ का कंडीशन अब आप क्या बताएं यार, कोई भी वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है, वॉशरूम का कंडीशन भी इतना गंदा है कि हम आपको क्या बताएं यार। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या कंडीशन है इस ट्रेन का।
और ये सिंह का कंडीशन आप देख सकते हैं, सीखर गुटका खैनी खाकर क्या हाल है, टैप में वाटर भी नहीं आ रहा है। और ये जो रास्ता है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया कार्टून वार्टून डालकर। तो चलते और आगे देखते हैं, सारा वॉशरूम दोनों इधर वाला बिजी है, तो आगे चल रहे हैं। अगर आप इस रूट में चाय करते हैं ना, चाय जरूर दो दो चाहिए। चाय विश्वास वाले, चाय बढ़िया, चाय ईमानदारी वाले, चाय चाय बीस हुआ ना। और बाबू वैसे अभी हमने ये चाय लिया है, 10 रुपए का मुझे ये पड़ा है, जो कि हमने लिए ईमानदार चाय वाला से। अगर आप इस रूट पे जर्नी करते हैं पटना से मुगल से वाले रूट पे, तो आपको ये हर ट्रेन में लगभग मिल जाएगा। तो मोनू भैया टेस्ट बताइए कैसा है। मतलब इस रूट का चाय का राजा हम लोग कहते हैं, बहुत बढ़िया चाय, मजा आ जाएगा। हम तो 4-5 बार पी चुके हैं इसे, ये छठा टाइम। तो चलिए चाय पीते और एंजॉय करते हैं। ऐतिहासिक काम है, क्या ऐतिहासिक काम है भाई, अंकल बताइए जरा। पुराने का शौक आप देख सकते हो, वो छोटा बच्चा है, उसके लिए उनकी मम्मी जो है गुड इंग्लिश का बुक लिए है। कुछ महान है ऐसे कर दो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन, और देख सकते हो भाई कितना बोरा बक्को अपने जनरल कोचेस में पैक किया हुआ था। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे फाइन लग रहा है जो पैसेंजर टिकट नहीं लिए हैं। फाइनली ब्रिटेन आ चुके हैं निर्धारित समय से 10 मिनट के डिले के साथ पटना जंक्शन। और अपनी जो आज की जर्नी थी वो पटना तक की, अपना टिकट इस्लामपुर तक था, लेकिन भाई इस्लामपुर से फिर वापस पटना ही आना पड़ता इसलिए। और मैं जहाँ तक जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ भाई, वो बिल्कुल बेकार था यार। और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जनरल कोच में, जी हाँ। तो भाई और मिला जो अगर सफ़र की बात करें भाई, तो बहुत बेकार था यार। 17 घंटे से भूखे यार बस पानी पे हैं, क्योंकि भाई वॉशरूम का जो कंडीशन है इस ट्रेन का वो बहुत ज़्यादा ही बेकार है यार। तो आप समझ सकते हो मगध एक्सप्रेस का कितना बुरा हाल है इस ट्रेन का। मैंने आपको हर चीज़ दिखाया इस जर्नी में, क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, कैसे लोग जर्नी करते हैं रात के वक्त में, दिन के वक्त में, और लास्ट में पटना पहुंचने से पहले टिकट कैसे भाई टिकट चेक करने के लिए घुस जाते हैं जनरल कोच। और दिल्ली से दानापुर तक भाई कोई टीटी नहीं आने वाला है, लेकिन दानापुर के बाद
भाई भर भर के टीटी आता है यार, एक कोच में 6-6, 7-7 टीटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जर्नी कैसे लगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।